व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 8 पैनल लगाए हैं और जो ऊपर वाले साइड पे लगे हैं, तो यहाँ पे 145 यूनिट का बिल है। और आपने देखा कि जो हम 7-8 घंटे से बिजली यूज़ करते हैं, उसमें 145 यूनिट का ये बिल आया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। जुनेद जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम व्यूवर्स को एक इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर लोग जो है छोटे बड़े पैमाने पर अपने घर में बिजली के लिए बचाने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम पैनल से मुतालिक बात करेंगे। और आप तमाम व्यूवर्स जानते हैं कि जब हम कोई किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद ही आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं। तो पैनल का एक्सपीरियंस हमने किया, एक साल तक इस सिस्टम को लगाया और अब काफ़ी अच्छे नतीजे हमने हासिल किए हैं, आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। और ये आप कितने कॉस्ट में अरेंज कर सकते हैं, हमने कितनी कॉस्ट में अरेंज किया, ये भी इस वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ बुनियादी बातें कि सोलर पैनल में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और क्या क्या वर्क होता है। सोलर पैनल जो है वो जो सनलाइट है इसको बिजली में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है, ये पैनल का वर्क होता है। इसके अलावा इन्वर्टर का बेसिक वर्क ये होता है कि वो 12 वोल्ट लेता है, डीसी 12 वोल्ट, और उसको 220 में कन्वर्ट करता है एसी, यानी कि जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैटरी जो है वो हमें बैकअप प्रोवाइड करती है, और ये भी इन्वर्टर से कनेक्ट होती है, क्योंकि बैटरी जो है वो 12 वोल्ट पे आती है और 12 वोल्ट को हमने कन्वर्ट करना है 220 में, तो फिर यहाँ पे इन्वर्टर का वर्क इस्तेमाल होगा। तो इन्वर्टर का टोटल वर्क यही होता है कि हमें 220 बना के दे 12 वोल्ट को, पैनल से हमने जो भी वोल्टेज लिया डीसी उसको 220 बना के दे। तो ये बुनियादी बातें थी, ये मैं चाहता था आप तमाम व्यूवर्स को बताऊँ। और इसके बाद अब एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो हमने एक साल इस सिस्टम को इस्तेमाल किया है और आप लोगों को अब बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो पैनल लगाए हैं वो 320 वाट के पैनल लगाए थे, 315 वाट के पैनल लगाए थे। 320 वाट के जो पैनल थे वो 4 पैनल 320 वाट के थे, 315 वाट के 4 पैनल थे। स्टार्टिंग जो हमने ली थी वो 8 पैनल से ली थी, जिसमें 320 वाट के 4 पैनल, 315 वाट के 4 पैनल। पर पैनल की जो कॉस्ट है वो 12,500 रुपये आई थी हमें, ईच पैनल जो है वो 12,500 रुपये की कॉस्ट पे आया था। इसके अलावा इन्वर्टर 60,000 की हमें कॉस्ट पड़ी थी। और इन्वर्टर का आप लोगों को बताया था, इन्वरेक्स का इन्वर्टर है, इससे बेहतर इन्वर्टर भी आते हैं मार्केट में, बट कराची में हमारे पास इन्वरेक्स सबसे ज़्यादा चल रहा है और यही मिल रहा है, तो हम यही इन्वर्टर लेने के लिए मजबूर थे। इसके अलावा आप लोगों को बताता हूँ, एक इन्वर्टर इससे पहले भी हमने लिया था, क्योंकि तजर्बा कर रहे थे तो हमने देखा कि कम से कम लोड में कौन सा इन्वर्टर बेहतर है, तो एक इन्वर्टर और हमने परचेज़ किया था, जर्मनी था ये, और काफ़ी अच्छा उससे रिज़ल्ट मिला। तो हमने कहा क्यों ना बेहतर सिस्टम लगाया जाए और बड़ा सिस्टम लगाया जाए, तो हमने फिर इस इन्वर्टर को चेंज कर दिया 3.2 किलोवाट्स में। और 3.2 किलोवाट्स में जो हमने इन्वर्टर सेलेक्ट किया है, ये एक्सपर्ट VM3 इन्वर्टर सेलेक्ट किया है। क्यों सेलेक्ट किया, इसकी वजूहत यही थी कि ये वाहिद इन्वर्टर था जो पैनल से डायरेक्ट पावर लेके घर को चलाने की सलाहियत रखता है विदाउट एनी बैटरी कनेक्शन। तो इसको कोई बैटरी के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास बैटरियाँ नहीं है आप इस इन्वर्टर को लाएँ और पैनल की डायरेक्ट पावर इसमें लगा दें, यह आपका पूरा घर जब तक चलाएगा जब तक इसको सूरज की लाइट मिलती रहेगी। जैसे डे लाइट ख़त्म होती है तो आपने फिर बैकअप के ऊपर आना होता है, तो बैकअप आपको कौन प्रोवाइड करेगा, बैटरी प्रोवाइड करेगी। तो बैटरी जो है यहाँ पे हमने जो एक्सपीरियंस किया, सबसे पहले हमने एसेटिक जो सिंपल प्लेट बैटरी आती है उसका एक्सपीरियंस किया, 6 महीने हमने उसको लगाया और हमने देखा कि वो इतनी कारगर नहीं है, बेहतर नहीं है। तो इस बैटरी को हमने चेंज किया ट्यूबुलर बैटरीज के अंदर, और ट्यूबुलर बैटरीज का रिज़ल्ट काफ़ी हमें बेहतर मिला। पर बैटरी जो कॉस्ट आई है हमें वो 25 से 24 हज़ार रुपये ईच बैटरी की कॉस्ट हमें पड़ गई। यहाँ पे हमने 6 बैटरीज लगाई हैं और काफ़ी अच्छा बैकअप मिल जाता है इससे। इसके अलावा आप लोग को बता देता हूँ कि इस्तेमाल किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं इस इन्वर्टर के सिस्टम को। तो आप लोग को बता देता हूँ इस सिस्टम को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लोग यही सोचते हैं कि जनाब सोलर पैनल लगा लिया तो 24 घंटे हम फ्री बिजली ले लें इससे, ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो डे टाइम में होती है। तो जब तक सनलाइट आपको मिल रही है आप इससे एडवांटेज ले सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों को एक
रिकमेंडेशन यहाँ पे कर देता हूँ, 12 बजे के बाद आप मैक्सिमम लोड चला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है वो धूप बिल्कुल स्ट्रेट पैनल को मिल रही होती है, पीक पे होती है, और आप मैक्सिमम लोड जैसे इस्त्री है, मोटर है, इस तरीके की चीज़ें इस पर चला सकते हैं आप। जो भी लोड का काम है ये 12 बजे से 1-2 बजे तक कर सकते हैं, तो इससे ये होगा कि आपकी पावर सेव होगी, बिल में कमी आएगी, और आप जो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे थे वो आप पैनल से कंज्यूम कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये कि अब इसको आप 24 घंटे नहीं चला सकते तो कितने घंटे तक चला सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 8 से 9 घंटे हम केस से इस्तेमाल करते हैं। ये 8 से 9 घंटे का जो ड्यूरेशन होता है कब से स्टार्ट होता है और कब तक होता है, तो जनाब पैनल को हम ऐसे यूज़ करते हैं, ये जो सिस्टम है इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, शाम 5 बजे तक हम सोलर पैनल का ये जो सिस्टम है इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद केस यूज़ करते हैं 8 से 9 घंटे, उसके बाद जो है रात को 1-2 बजे तक हम बैकअप के ऊपर चले जाते हैं। बैकअप ये जो सिस्टम सोलर पैनल का है इसमें जो हमने बैटरी इंस्टॉल की हुई हैं तो उससे हम बैकअप ले रहे होते हैं रात, तो रात को जो चीज़ें चलती हैं उसमें हम फ्रीज़र बंद कर देते हैं, पंखे चल रहे होते हैं, 3 फैंस ऑन होते हैं, लाइटें तो ऑब्वियसली रात को सब बंद करके सोते हैं, तो 3 फैंस ये पूरी रात चलाता है, उसके बाद जैसी सुबह की पहली किरण निकलती है तो सोलर पैनल वर्क करना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है सोलर पैनल पावर स्टार्ट करता है देना, तो आप इस पर फ्रीज़र अपना ऑन कर लें, फ्रीज़र ऑन कर लेंगे जो भी लोड वगैरह है नॉर्मली वो आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर दें, तो मैक्सिमम लोड का जो भी आपने काम करना है जैसे वॉशिंग मशीन है, इसके अलावा इस्त्री है, आयरन मोटर हो गई, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप 11 बजे से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं और 1-2 बजे तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पैनल मैक्सिमम पावर दे रहा होता है और मैक्सिमम पावर बना रहा होता है, तो ये वो आवर्स हैं जिसमें आप मैक्सिमम लोड का काम कर सकते हैं। तो वो जो बिल हमने 5 से रात 1 बजे तक इस्तेमाल की है बिजली, वो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बिल मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे 145 यूनिट का बिल है, और आपने देखा कि ये जो हम 7-8 घंटे जो बिजली यूज़ करते हैं उसमें 145 यूनिट का ये बिल आया है, तो यहाँ पे अमाउंट्स आप लोग देख सकते हैं लिखी हुई, जो पेमेंट हमारी जा रही है मंथली के हिसाब से 8858 रुपीज़, इसके अलावा 1306 रुपये, और फर्दर इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 1500-1600 रुपये से ऊपर ज़्यादा बिल गया नहीं है, तो काफ़ी पेमेंट में आप देख सकते हैं पावर हमने सेव कर लिया सोलर पैनल यूज़ करते हुए। तो आपने देखा इस सोलर सिस्टम को यूज़ करते हुए बिजली का बिल हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया, काफ़ी कम हो गया हमारा बिजली का बिल, काफ़ी यूनिट्स कंट्रोल कर लेंगे आप इस तरीके से। अगर आप बैकअप बढ़ाते हैं तो आप ये 8-9 घंटे जो केस यूज़ कर रहे हैं इसमें कमी आ जाएगी, हो सकता है आप 4 घंटे यूज़ करें, हो सकता है 3 घंटे यूज़ करें, हो सकता है केस यूज़ ना करनी पड़े, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास बैकअप कितना है। तो हमने जो बैकअप यहाँ पे रखा हुआ है वो 6 बैटरी का बैकअप है, और जितनी भी लाइट वगैरह जाती है यहाँ पे कराची में ये उसको कवर कर लेता है बैकअप, इसके अलावा पूरी रात हम फैंस वगैरह चला रहे होते हैं ये तमाम चीज़ों को कवर कर लेता है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रही है बैटरी। तो आइए अब आपको सिस्टम दिखाते हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन से सोलर पैनल लगे हुए सिस्टम में, इसके अलावा कौन सा इन्वर्टर हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो आपको मैंने बता दिया इन्वरेक्स का हम इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और बैटरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो आइए आपको विज़िट करा देते हैं। तो आइए व्यूअर्स आप लोगों को पैनल से मुतालिक बताते हैं और इसके साथ साथ आपको पैनल्स दिखाएंगे कि हमारे पास कौन से पैनल्स अभी लगे हुए हैं। तो आप लोगों को बता देता हूँ मार्केट में काफ़ी नई टेक्नोलॉजी के पैनल्स आ रहे हैं और हमने एक साल पहले ये सिस्टम लगाया था, और आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अभी जो हमारे पास इंस्टॉल हुए हैं पैनल वो मोनो पैनल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, क्योंकि कराची में जो एनवायरनमेंट है, वेदर है, वो थोड़ा सर्द होता है, कभी गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस लिहाज से मोनो पैनल्स बहुत बेहतर हैं, और अगर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, मुल्तान वगैरह के साइड पर रहते हैं, तो आप लोग पॉली पैनल यूज़ करें, वो आप लोगों के लिए बेहतर होंगे, क्योंकि कराची का वेदर ऐसा है, तो इस लिहाज से हमने यहाँ पर मोनो पैनल्स लगाए हुए हैं। तो आप लोगों को बता देते हैं मोनो पैनल्स में भी काफ़ी इकसाम आती हैं, जिसमें क्यू सेल है, क्रिस्टल है, और भी बहुत सारी इकसाम आ रही हैं। अभी तो मैंने यहाँ तक मार्केट में देखा है कि दो जो सेल हैं वो एक साथ इन्होंने मर्जअप किए हुए हैं, मोनो सेल और पॉली सेल दोनों को मर्जअप किए हुए हैं, ताकि दोनों पर एक साथ जब लाइट स्ट्राइक करें तो मल्टीपल करंट ले लें। तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है, तो और भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी। तो अभी जो हमारे पास इंस्टॉल है वो आपको दिखा देते हैं और इसके मुताबिक बात करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 8 पैनल लगाए हुए हैं
और जो ऊपर वाले साइड पे लगे हुए हैं, आगे लगे हुए पैनल आप देख रहे हैं वो हाफ सेल पैनल है और ये 315 वाट का एक पैनल है और टोटल जो ये वोल्ट बनाता है ये 24 वोल्ट का पैनल है। इसके अलावा यहाँ पे जो पैनल आप लोग देख रहे हैं ये पैनल मोनो पैनल है, इसमें मल्टीपल वैरायटीज़ आती है। जब हमने स्टार्टिंग में लगाए थे पैनल्स वो दूसरे पैनल्स थे, आप लोगों को बताया तो यहाँ पे दो पैनल्स हमारे पास उड़ चुके हैं। तो ये जो आप फ्रंट के दो पैनल देख रहे हैं, एक ये वाला और इसके बाद वाला पैनल, ये दोनों पैनल हमने चेंज किए हैं और क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो अब क्यू सेल के लगाए हैं हमने ये पैनल। तो क्यू सेल जो है वो आपको बताया तो यहाँ पे ये कॉर्नर पे आप लोग देख सकते हैं ये क्यू बना हुआ होता है, तो इसको क्यू सेल कहते हैं और इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। इसमें से एक पैनल 365 वाट का है और एक पैनल 385 वाट का है। इसके अलावा वो जो कॉर्नर पे दो पैनल लगे हुए हैं वो 320 वाट के दो पैनल हैं। तो स्टार्टिंग में जब हमने लगाए थे तो चार पैनल 320 वाट के थे और चार पैनल 315 वाट के थे, तो टोटल जो ये हमारे पास वाटेज बनता है वो 2540 वाट बन रहा था। और अब जब हमने इसमें दो पैनल चेंज किए हैं, ये एक पैनल है 385 वाट का और एक पैनल है 365 वाट का, तो अब हमारे पास जो टोटल लोड बन रहा है वो, तो अब जो हमारे पास यहाँ पे टोटल पैनल के वोल्टेज बन रहे हैं वो 2600 प्लस बन रहे हैं, यानी कि 2600 प्लस वोल्टेज बन रहे हैं यहाँ पे। और अब ये जो दो सेल दो पैनल हमने चेंज किए हैं और नए टेक्नोलॉजी के सेल के पैनल हैं तो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर एक इस बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये दो पैनल क्यों उड़े। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास हमारे जैसा कोई इन्वर्टर मौजूद है जो डायरेक्ट पैनल से लोड चलाता है, तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपकी बैटरी के जो वायर्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हो, कोई भी लूजिंग ना हो। अगर लूजिंग होगी तो टोटल लोड जो है वो डायरेक्ट पैनल पर आ जाता है और पैनल पर आने की सूरत में पैनल उड़ते भी हैं। और इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं ये डस्ट अभी आई हुई है, तो ये जो डस्ट आती है इसको वॉश करना पड़ता है। पैनल को वॉश करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगी आपको। तो वॉश करने के लिए आपको मैं ये प्रेफर करूँगा, जब पैनल वर्किंग में ना हो जब इसको वॉश करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक चीज़ वर्किंग में होती है उस टाइम आप वॉश करते हैं तो डिस्टर्ब भी हो जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को अगर कहीं से ये ब्रेक होगा या क्रैक होगा तो शॉर्टेज का खतरा रहता है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप रात के टाइम अगर पैनल को धोएं तो ज़्यादा बेहतर है, या अर्ली मॉर्निंग धोएं, जैसे कि ये काम करना स्टार्ट होता है उससे पहले आपने इसको वॉशअप कर लिया तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये उस टाइम ज़्यादा पावर नहीं बना रहे होते तो शॉर्टेज वगैरह का ख़तरा नहीं होता। तो व्यूवर्स, आप लोगों को दिखा देता हूँ ये पैनल है हमारे पास जो ख़राब हो गया है। वैसे तो आप लोग देख रहे हैं ये पोजिशन वाइज बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और इसको कोई ऐसे ही नहीं बता सकता कि ख़राब हो गया। तो इसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ये पैनल जो है वो ख़राब हो गया, आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेल जो है वो बर्न अप हो गया और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से ये सेल जो है वो जल गया और आप यहाँ पे होल देख सकते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे कुछ वोल्टेज ये अभी भी बना रहा है। तो ये इस कंपनी का पैनल था और यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 320 वाट का ये पैनल है और जो मैक्सिमम पावर वोल्ट जो है वो 37.2 वोल्ट हैं इसके और 8 एम्पेयर का था। अच्छा, यहाँ पे वार्निंग भी इन्होंने दी हुई है कि डू नॉट कनेक्ट और डिसकनेक्ट अंडर लोड, तो यानी जब लोड लगा हुआ उस सूरत में आपने इसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट नहीं करना है। तो आइए व्यूवर्स, आप लोगों को इस पैनल को चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अभी भी स्टिल वोल्टेज बना रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 41.1 वोल्ट इसमें अभी भी डीसी बन रहा है, बट जब इसको हम सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं ये वोल्टेज तो बना रहा है। तो अब इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये आधा एम्पेयर बना रहा है और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और इस टाइम ये कंडीशन है। तो ये होता है जब पैनल ख़राब हो जाता है तो वो करंट बनाना बिल्कुल बंद कर देता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम वोल्ट जो इसने बताए थे वो 37.2 थे और 39.6 आ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे वोल्टेज जो हैं वो बढ़ गए हैं
एम्पेयर वोल्टेज जो है वो बढ़ गए हैं और एम्पेयर बिल्कुल ही कम हो गए हैं, 0.5 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ भी एम्पेयर ये प्रोवाइड नहीं कर रहा, नहीं बना रहा। तो व्यूवर्स, आप लोगों को दूसरा पैनल दिखा देते हैं जो हमारे पास ख़राब हो गया है। तो ये पैनल भी इसी कंपनी का है, GS सोलर के नाम से ये कंपनी है, और ये भी 320 वाट का पैनल है। और यहाँ पे ये सेल भी इसका शॉर्ट हो गया। इसके अलावा आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ पैनल की। इस तरीके के पैनल आपने मार्केट में देखे होंगे, अक्सर नज़र आते हैं जब हम मार्केट का रुख करते हैं। तो इस तरीके का जब पैनल हो जाता है, ये जब निशान आ जाते हैं, तो इसको बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि ये पैनल ख़राब हो गया है। जो ऊपर वाली कोड है, जो ग्लास है, ये बिल्कुल चटक गया है और अब ये काम करने की हालात में नहीं है। ये एक्सपीरियंस रहा इस कंपनी का। आप लोगों ने देखा, दो पैनल इसके उड़ चुके हैं और दो पैनल अभी ऑपरेटिंग में हैं, दो पैनल लगे हुए हैं हमारे सिस्टम में। तो व्यूवर्स, आप लोगों के साथ शेयर किए, ये दो पैनल उड़ गए थे। अब बता देता हूँ ये किस वजह से उड़े थे। हमारी मिस्टेक सिर्फ यही थी कि हमने बैटरी के कनेक्शन चेक नहीं किए थे, प्रॉपर कनेक्शन, के कहीं लूज़ कनेक्शन तो नहीं है। तो अभी जो हम इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, एक्सपर्ट VM3, इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि ये सोलर की पावर डायरेक्ट लेता है, विदाउट बैटरी ये आपका पूरा घर चलाने की सलाहियत रखता है। तो जब हमने कनेक्शन चेक नहीं किए थे बैटरी के और लूज़ कनेक्शन था कोई, तो इसने तमाम लोड जो है वो सोलर पैनल के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। तो इसमें ये एक ड्रॉबैक भी है बहुत बड़ा, कि इसने तमाम लोड पैनल के ऊपर शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह कर हमारे दो पैनल जो है वो उड़ गए। ये आप तमाम व्यूअर्स के साथ हमने शेयर किया, ये एक्सपीरियंस रहा VM3 एक्सपर्ट जो है इसका। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आपने प्रॉपर तरीके से अपनी बैटरी के वायर्स को चेक करना है, कहीं से लूज़ ना हो। इसके अलावा जब आप, अगर लूज़ कनेक्शन छूट भी जाता है और पूरा लोड जो है वो पैनल के ऊपर चला जाता है, तो पैनल के ऊपर जितना लोड ज़्यादा होगा उसकी वायरें भी उतनी ज़्यादा जो है वो रफ़ हो जाती हैं, कार्बन आ जाता है। तो आपने उसकी वायर्स को भी प्रॉपर चेक करना है कि कहीं वहाँ लूज़ कोई कनेक्शन तो नहीं है। अगर पैनल की वायर्स में कोई भी लूज़ कनेक्शन रहेगा तो आपको पूरी पावर नहीं मिलेगी पैनल की, तो आप फिर यही सोचेंगे कि आपका पैनल जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो आपने इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी है कि पैनल की वायर्स को प्रॉपर फिक्स होना चाहिए, यानी कि कोई लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बैटरी की वायर को प्रॉपर आपने चेक करना है, इसमें भी आपके पास कोई लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो व्यूवर्स, आइए आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस टाइम हमारे पास इन्वर्टर का इन्वर्टर लगा हुआ है और वो कैसा काम कर रहा है। तो आइए आप लोगों को दिखा देता हूँ, विज़िट कराता हूँ। तो व्यूवर्स, ये इन्वर्टर का इन्वर्टर है, एक्सपर्ट VM3 3.2 किलोवाट्स का ये इन्वर्टर है। और यहाँ पे इसके डिस्प्ले में आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो फीचर्स हैं, इसमें एक फ़ीचर ये भी है कि ये KSC की सप्लाई भी डायरेक्ट सप्लाई करता है। इसके अलावा सोलर पैनल की जो सप्लाई आ रही है, ये सोलर की सप्लाई है। यहाँ पे ये सोलर की सप्लाई को इन्वर्ट करने के बाद बैटरी भी चार्ज करता है इससे और घर को भी सप्लाई दे रहा होता है। तो यहाँ पे ये फीचर इसके अंदर मौजूद है, जो भी सोलर पैनल की सप्लाई आ रही होती है। इसके अलावा आपको वोल्टेज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनपुट वोल्टेज AC के 226 वोल्ट इस टाइम आ रहे हैं और आउटपुट पे ये 226 वोल्ट डायरेक्ट दे रहा है। यहाँ पे PV यानी कि सेल के जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 2.4 वाट आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लोड होता है ये, क्योंकि जितने इसको ज़रूरत होती है उतनी ये पैनल से पावर ड्रॉ करता है। यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज शो हो रहे हैं, 27 वोल्ट के ऊपर बैटरी है, इसका मतलब कि ऑल बैटरीज जो हैं वो फुल चार्ज हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लैंप डिजिटल मीटर मौजूद है, हम यहाँ पे एक एक बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे। इसके अलावा सीरीज़ में आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक बैटरी 12 वोल्ट की है और यहाँ पे 13.4 शो करा रहा है, दैट मीन्स के बैटरी जो है वो चार्ज है और 13.5 वोल्ट तक ये फुल चार्ज होती है। तो अभी स्टिल चार्जिंग प्रोसेस में। अब ये वाली बैटरी भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 13.4, तो ये भी चार्ज हो रही है। अब हमने जो सीरीज़ कनेक्शन किए हैं इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे
26.8। तो दो बैटरीज़ को जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो 24 वोल्ट बनते हैं और यहाँ पे 26.8 यानी कि 26.8 वोल्ट बन रहे हैं। दैट मीन्स के चार्ज हो रही है, बेहतर ये काम कर रही है। तो इसी तरीके से आपने अपने बैटरी के कनेक्शन को मॉनिटर करना है, फोकस रखना है इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप बैटरी के कनेक्शनों को नहीं देखते हैं तो आपके पैनल उड़ने का ख़तरा हो सकता है। तो आप अगर ये बेहतर तौर पे चेक कर लेंगे इस तरीके से, इसको हिला के अच्छी तरीके से कि कहीं लूजिंग तो नहीं है, तो ये बेहतर होगा आपके इन्वर्टर के लिए, क्योंकि उससे आपको बैटरी की भी बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, चार्ज भी पूरा मिलेगा। क्योंकि अगर ये लूज़ कनेक्शन छोड़ देंगे तो बैटरी को भी डैमेज होगा। डैमेज किस सूरत में होगा, बैटरी चार्ज होना कम हो जाएगी, इसको करंट कम मिलेगा, तो इसके जो करंट कम मिलेगा तो लाइफ आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाती है, फैटअप होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस करता हूँ, कनेक्शन का खासकर ख्याल रखें, आपका इन्वर्टर बेहतर परफॉर्म करेगा और पैनल उड़ने से बचे रहेंगे। तो बैटरी से निकलते हुए एम्पेयर को भी चेक करा देते हैं कि कितने एम्पेयर आ रहे हैं। इसको 40 पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब क्लैंप लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4.5, तो ये एम्पेयर अभी चार्जिंग के लिए ले रहा है ये बैटरी। तो इन्वर्टर जो बैटरी को वोल्टेजेस एम्पेयर्स जो दे रहा है, वो यहाँ पे ये एम्पेयर्स बैटरी को दिए जा रहे हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करता रहूँगा। और आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो पैनल से रिलेटेड मैंने आज इन्फॉर्मेशन आप तमाम व्यूवर्स को दी, ये काफ़ी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि पैनल से मुतालिक इन्फॉर्मेशन दें, तो हमने सोचा कि आज एक बेहतर तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इस सिस्टम के मुतालिक। पूरा सोलर पैनल जो हमने लगाया था, एक साल का एक्सपीरियंस रहा इसमें, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसमें दो पैनल उड़ चुके हैं और इन्वर्टर कौन सा यूज़ करें, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तमाम व्यूवर्स के साथ आज शेयर की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी, इसी तरीके की आगे भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव शेयर करता रहूँगा। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।